साल 2006 अक्टूबर महीने की एक सुबह मुंबई के मराइन लाइन स्टेशन के नजदीक एक मृत शरीर पाया गया, जिसकी पहचान से ये पता चला कि मृतक का नाम विजय गौड़ है, जो कि एक टैक्सी चालक था। उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। घटना को कुछ समाचार पत्रों में छापा गया, लेकिन कुछ समय बाद इस घटना को भुला दिया गया। दो महीने बाद 14 दिसंबर की सुबह को एक और शव पाया गया। इस बार यह घटना उसी रेलवे लाइन पर चर्च गेट स्टेशन के नजदीक हुई थी, जो कि मराइन लाइन से अगला स्टेशन था। शिकार एक बेघर पुरुष था, जिसके शरीर के पास एक खाली किंगफिशर की बोतल पाई गई थी। घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। 3 महीने में 7 और शव पाए गए। सभी घटनाएं चर्च गेट और मराइन लाइन स्टेशन के आसपास ही हो रही थी। कई पीड़ित निर्वस्त्र अवस्था में पाए गए और उनके साथ यौन उत्पीड़न होने का संकेत मिल रहे थे। एक सीरियल किलर खुला घूम रहा था। पुलिस ने खोज शुरू कर दी, लेकिन हत्यारा उन्हें नहीं मिल रहा था। हालांकि केवल 2 पीड़ितों के पास बियर की बोतल पाई गई थी, लेकिन अखबारों ने सीरियल किलर को बियरमैन का नाम दे दिया। 22 जनवरी 2007 को बियरमैन पकड़ा गया। अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर उसकी तस्वीर छपी, जिसमें उसका हुलिया बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसके सिर पर एक टोपी, सीने तक लंबी दाढ़ी और कंधे तक लंबे बाल थे। चेहरा बहुत ही गंभीर और कठोर था। उसका नाम रविंद्र कंट्रोले उर्फ अबुल रहीम था, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी। धीरे धीरे कहानी समझ में आने लगी। वह एक समलैंगिक नहीं था, जैसा कि सब उसके शिकारों को देखकर सोच रहे थे, बल्कि वह समलैंगिक लोगों से नफरत करता था। उसने हाल ही में इस्लाम धर्म कबूल किया था और उसका यह मानना था कि यह काम उसकी आस्था के खिलाफ है। एक रिपोर्टर के मुताबिक उसने सिर्फ 7 लोगों की हत्या नहीं की थी, बल्कि उसने दक्षिण मुंबई में कम से कम 45 लोगों को मार डाला था और उनके शवों को वह समुद्र में फेंक देता था। कुछ समय बाद यह भी सिद्धांत दिया गया कि वह लोगों को मारकर मराइन लाइन्स के पास के कब्रिस्तान में ले जाता था, जहाँ एक तांत्रिक उन्हें काले जादू के लिए इस्तेमाल करता था। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने उस पर 3 हत्याओं का आरोप लगाया। सभी गुनाह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण जनवरी 2007 में अदालत ने कंट्रोले को एक हत्या के मामले में दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शहर के लिए यह राहत की बात थी। बियरमैन अब हमेशा के लिए सलाखों के पीछे था। पर बात यही खत्म नहीं हुई। सितंबर 2009 में उच्च न्यायालय ने लोअर कोर्ट के इस फैसले को खारिज कर दिया और यह फैसला सुनाया कि कंट्रोले हत्याओं के लिए दोषी नहीं है। कंट्रोले का जन्म धोबी तालाब के पास रहने वाले एक परिवार में हुआ था। जब वह बड़ा हुआ तो उसका जुआरी पिता अपनी माँ के घर महालक्ष्मी में रहने चला गया और वह अपने पिता के रिश्तेदारों के साथ पुणे में रहने लगा। कुछ महीनों बाद वह वापस मुंबई आ गया। वह अपने 14 साल के एक दोस्त के यहाँ रहने लगा। कभी कभी वह रात सड़कों पर गुजारा करता था। उसने कहा कि वह किसी के घर गुलाम बनने की बजाय सड़कों का राजा बनकर रहना ज्यादा पसंद करेगा। किशोरावस्था में वह दशरथ राणे के गिरोह में शामिल हो गया, जहां उसका काम अवैध प्रतिष्ठानों से पैसे वसूल करना था, जो देशी शराब बेचते थे। जब वह 20 साल का हुआ, तब कैनेडी पुल के एक वेश्यालय में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, जिसे मध्य प्रदेश के एक गाँव से लाया गया था और वेश्यालय को बेच दिया गया था। उसे उस लड़की से प्यार हो गया। एक वर्ष बाद उसने 25,000 जमा करके उस लड़की को वेश्यालय से मुक्त करवाया और अपने जीवन में पहली बार उसने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और वहां वह अंजलि के साथ रहने के लिए चला गया। उन दोनों ने शादी कर ली और उनकी एक बेटी हुई, जिसका नाम दीपा था। एक बार जब वह जेल से रिहा होकर आया तो उसने अपराध छोड़ दिया और इस्लाम को गले लगा लिया। कंट्रोले अबुल रहीम बन गया। उसने गिरोह छोड़ दिया और मुंबई में एक वड़ा पाव की स्टॉल चलाकर अपना गुजारा करने लगा। वह पुलिस का मुखबिर भी बन गया और उसका रिकॉर्ड साफ माना जाने लगा, जब तक कि वह बियरमैन होने का संदिग्ध नहीं बन गया। उसकी जिंदगी नाटकीय रूप से बदल गई थी, क्योंकि उसे बियरमैन होने का खिताब मिल चुका था। उसने कहा कि जब भी वह सड़कों पर गुजरता तो अचानक चुप होने या लोगों के फुसफुसाने की आवाज आती थी। वह जानता था कि उसी के बारे में बात हो रही है। किसी को भी इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसे निर्दोष घोषित कर दिया गया था, इसलिए उसने अपने बालों को ट्रिम करा लिया
और दाढ़ी भी मुंडवा ली। अब कुछ ही लोग ऐसे हैं जो उसे पहचानते हैं। सीरियल किलर का आरोप लगने के बाद उसने अपनी पत्नी अंजलि और बेटी दीपा को अपने से दूर मध्य प्रदेश के रायपुर गांव में भेज दिया। आज भी जब इलाके में कोई छोटी मोटी चोरी या हत्या होती है तो पुलिस पूछताछ के लिए उसे ले जाती है। वह कहता है कि हालांकि अदालत ने तो उसे बरी कर दिया है, पर पुलिस के लिए आज भी वह एक सीरियल किलर है। कफ परेड में 3 नाबालिग लड़कियों के साथ हत्या और बलात्कार का एक मामला सामने आया था और शहर में एक और सीरियल किलर के खुला घूमने की बात फैल गई। पुलिस ने कंट्रोले को पूछताछ के लिए बुलाया और डीएनए टेस्ट करवाया जिसमें वह निर्दोष पाया गया, लेकिन बियरमैन की हत्याओं का यह रहस्य अनसुलझा ही रह गया। अगर तुम भी ऐसी किसी कहानी के बारे में जानते हो जिसके बारे में तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बताऊं, तो कमेंट करके बताओ और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिस्टर मिस्टीरियस के चैनल को सब्सक्राइब कर लो।